हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्मी में जो क्लर्क की वैकेंसी होती है उसके लिए क्या क्या सिलेबस है और आपको किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए क्लर्क। आप देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये है लेटेस्ट सिलेबस जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए क्लर्क। आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरह का है, जो लेटेस्ट पैटर्न है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं 5 20 मार्क्स के, उसके बाद से जनरल साइंस के क्वेश्चन 5 होते हैं, मार्क्स होते हैं 20। उसके बाद से मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स होते हैं 40। फिर एक कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन 4 4 मार्क्स का होता है, जो टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स का, जिसमें कि आपको मिनिमम मार्क्स जो आपको 32 लाना है। जो दूसरा पार्ट है वो है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश में जो जनरल इंग्लिश का पेपर होता है उसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। तो आपको जो है ये टोटल 100 प्लस 100, पार्ट टू में इंग्लिश का पेपर आपको क्लियर करना है। 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच और टोटल 100, सो 100 प्लस 100। जो पार्ट वन है आपको 32 मार्क्स लाने हैं इन सबको मिला के, पार्ट वन में, और पार्ट टू में भी 32 मार्क्स लेके आने हैं, और टोटल एग्रीगेट पास मार्क्स आपका 80 होना चाहिए। ये मिनिमम इसमें हो गया, उसके बाद से आपको जो टोटल जो है 80 होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप 32 32 ही लाएँ, इसमें आप 50 32 लाएँ, 32 तो लाना ही लाना है, इसके ऊपर जो जितना ला सकते हैं। तो इन दोनों का मिला के जो है आपका टोटल एग्रीगेट पास मार्क्स जो है 80 होना चाहिए, मतलब 200 में 80 मार्क्स, मतलब 40% मार्क्स आपको क्लियर करने हैं। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जनरल नॉलेज का होता है, इसमें एब्रीवेशंस पूछते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, अवार्ड्स के कौन कौन से अवार्ड्स, कौन कौन से प्राइजेस मिले, हिस्ट्री जोग्राफी जो कि सब जनरल नॉलेज में पूछा ही जाता है, उसमें जो है उन्होंने स्पेशल टॉपिक्स मिले हैं, उसमें आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद से टर्मिनोलॉजी, जैसे ज्योग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, ईएनओ, यूएनओ, इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन टाउन स्टेट्स यूटीज, इंडियन न्यूज़ एजेंसीज, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, ये सारा का सारा आपको जो है जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, करेंट अफेयर्स, ये सारा का सारा जो है आपका जो है जनरल नॉलेज के अंदर आता है। जनरल साइंस के कुछ जो सिलेबस है उसमें आपका ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, फिर कुछ मेडिकल टर्म्स हो गए, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हो गए, कुछ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि टॉपिक्स हैं, इसको आपने जो है डिटेल में पढ़ना है। जैसे मैथ्स में आपका जो है अर्थमेटिक आ गया, जिसमें नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, जो नॉर्मल मैथ्स का होता है, एच सी एफ एंड एल सी एम, स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर एलजेब्रा का, एलजेब्रा में जो है जैसे आपका नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। फिर ये देखो, इसमें एच सी एफ एल सी एम भी इंक्लूडेड है। फिर आपको जो है रूट्स निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, फिर मेंसुरेशन में आपको एरिया और वॉल्यूम। आपको मैथ्स के लिए किसी, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको कहीं कोचिंग लेनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली इस पेपर को, क्योंकि पेपर टफ़ नहीं है, सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सिंपल आइडेंटिटीज़, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, फिर ज्योमेट्री के होते हैं जिसमें आपको एंगल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ट्राइंगल, फिर इक्वलिटी, सर्कल्स, आर्क, टेंजेंट, सेकेंड्स, ये सारे के सारे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। फिर कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के भी होते हैं, जिसमें आपको, ये तो हर पेपर में होता ही होता है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, मीन, मीडियन, मोड, जो कि आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर ज़्यादा वास्ट नहीं है, जिसमें कि आप देखो रैम, रोम, बाइट, किलो बाइट, जो नॉर्मल कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कीवर्ड्स हैं उसको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आपका माउस हो गया, इनपुट डिवाइस, ओसीआर, लाइट पेन, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप आंसर लिख सकें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम,
कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ मेन यूज़ करते हो, फिर कुछ आपको वर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो नॉर्मल हर बंदा वर्ड यूज़ करता ही है, बस ये कि तैयारी आपने इस तरह से करनी है। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद से जो लास्ट पेपर आता है वो आता है ग्रामर का। ग्रामर में आपको पूरा वर्ब्स, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, फ्रेजेस कैसे यूज़ करने हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, मतलब आपको इंग्लिश का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम हिंदी में यूज़ करते हैं। आपको ये सारा का सारा याद करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने आर्मी की तैयारी करने क्लर्क की, तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग चलना है। ये आप देख सकते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू इंग्लिश आपका सबसे ज़्यादा मेजर जो मार्क्स कवर करता है वो इंग्लिश करता है। उसके बाद से आप ये देख सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मार्क्स, क्वेश्चंस आपके पाँच पाँच ही हैं, बट आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन पाँच पूछने हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं। अगर हो सकता है कि आप जो टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं उसी क्वेश्चन पूछें। मैथ्स के 10, मैथ्स का ही बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बट क्वेश्चन सिर्फ 10 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है। इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें यह है कि आपको मैक्सिमम जनरल इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए, 32 मार्क्स तो लाना है, बट जो टोटल एग्रीगेट 80 लाना है, उसमें आपको इंग्लिश की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चंस, एक एक पेपर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो आपको जो मैं बताऊंगा, क्या टाइम लिमिट है और क्या किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपने देख लिया सिलेबस बहुत है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी टॉपिक को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।